अरे पटाखे कहाँ मिले तुझे? कैसी जगह रखते हैं कि साफ दिख रहा है? मैं वहां से ढूंढने के बाद साफ दिख रहा है यार, मैं छुपा नहीं पाया पता है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज है दिवाली, तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। वैसे ये व्लॉग तो कल ही आएगा, दिवाली जा चुकी होगी, बट फिर भी सबको हैप्पी दिवाली। तो आज का प्लान ऐसा है, मेरे पास यहाँ पे हैं पटाखे जो कि पीयूष लेके आया था जबरदस्ती। मैंने तो मना किया था बट फिर भी वो ले आया, चलो कोई बात नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन पटाखों को देता हूँ मैं छुपा, और पीयूष पे प्रैंक करते हैं कि तेरे पटाखे कहाँ गए। तो ये पटाखे हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या लेके आया हुआ, तो इनको छुपाते हैं किसी सेफ जगह पे जहाँ पीयूष ढूंढ ना पाए। सबसे पहला टास्क है इनको रूम से बाहर निकालना, बिकॉज पीयूष बाहर है, तो देख रहे अगर मैं बाहर लेके जाऊंगा तो देखते हैं क्या करना है। एक काम करता हूँ, एक एक पटाखे निकाल के खिड़की से बाहर करता हूँ। अनार, चक्री, फुलझड़ी, वो भाई बुलेट वुलेट सब लेके आया वो भाई। तो पटाखे मैंने खिड़की से बाहर कर दिए एक एक करके, तो बाहर से मैं उठा के फिर मैं कहीं छुपा सकता हूँ। हैप्पी दिवाली पीयूषी। हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली मम्मी जी। हैप्पी दिवाली। तबियत ठीक है आपकी? ठीक। तो मम्मी जी की तबियत अब थोड़ी बेटर है, तो कल जाऊंगा डॉक्टर के पास लेके मम्मी को। ठीक। आज मम्मी जी का व्रत भी है, तबियत ठीक नहीं है फिर मम्मी व्रत रख लेती है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली पापा जी। पापा जी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हैप्पी दिवाली दादाजी। आज दिवाली के शुभ अवसर पर क्या बनाया खाने में, कुछ स्पेशल? स्पेशल तो क्या बनाया बेटा, दाल चावल बनाए। दाल चावल? दाल चावल स्पेशल? सब्जी वो तो रोज ही बनते हैं। फिर स्पेशल के समय क्या होता है, शाम को खा बना दूंगी स्पेशल। स्पेशल में क्या होता है? पनीर। दो फिर दाल चावल ही दो। तो गाइस देखो, हमारे पास है ड्यूक 200, 250 और आज हमारे पास 390 भी है। ये जो बाहर खड़ी है ये 390, सबसे ज्यादा पावरफुल। मैंने आज तक राइड नहीं करी है एक्चुअली। ये है गेमर फ्लीट भैया की, कल वो आए थे ना तो वो यहीं छोड़ गए थे, तो उनकी बाइक यहीं पड़ी है, तो उनको बाइक भी देके आनी है और चलाएंगे 390, देखते कैसी होती है। अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, दाल चावल बने हैं विद आलू। तो अभी खाना तो हो चुका है, फिलहाल अभी पीयूष बैठे अपने रूम में आईपैड लेके, उसको कोई आइडिया नहीं कि उसके पटाखे मैं छुपा रहा हूँ। उसे दिखा भी नहीं है, मतलब बैठा है उसका आईपैड में इतना घुसा हुआ है ना वो। बाय द वे ये चलाने का एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे। लेट्स गो गाइस, आज ना 200 चलेगी ना 250 चलेगी, आज 390 चलेगी। इसको 390 से मत के चलाना। अरे मिठाई भी लेनी है उनके लिए भाई, बहुत हल्की लग रही है। अरे वाह, पावर तो खतरनाक है भाई। भाई मैं भी यही लेता हूँ, मजा आ गया। तो भी रुके, यहाँ पे कुछ मिठाई वगैरह ले लेते हैं। ले ये ले ले, एक तो ये ले लेते हैं। ले भाई पकड़। तो मिठाइयाँ भी ले ली, अब चलते हैं जल्दी। तो अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं मानसी जी के पास, मानसी जी यहीं पे ही कहीं पे हैं, उनको मिठाई दे देंगे और फिर हम जाएंगे गेमर फ्लीट भैया के घर पे। तो मानसी जी आई थिंक यहीं होंगे। हैप्पी दिवाली। कुछ नहीं खाना, खा के आए हैं। चलो ठीक है, बाय, हैप्पी दिवाली, मिलते हैं सीएम के पास। भीड़ देखो कितनी खतरनाक हो रही है। अच्छा हुआ गाड़ी नहीं लाए, कोई नहीं ऑटो में चले जाएंगे। यही घर है ना? हाय, हैप्पी दिवाली भाई। हाय आप। हैप्पी दिवाली। अरे पंपुलिया घर, ये तो बहुत बड़ा है यार, इसके अंदर तो 10 और ही आ जाएंगे। मैं अपने दोस्त को बुला लेता हूँ, हाँ। छोड़ देगा गाड़ी में। गाड़ी में? अरे नहीं, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम ऑटो में चले जाएंगे। ये बस आते ही लग गया यहाँ पे माइनक्राफ्ट खेलने में भाई, इतना टाइम नहीं है, चल चलते हैं। आगे से आऊंगा तो पीयूष को नहीं लेके आऊंगा, बिकॉज जब भी ये आता है यहाँ पे बैठ जाता है। तो अभी जो है बाइक दे दिया मैंने भाई को, सही सलामत। थैंक यू सो मच सर भाई, लेकिन मस्त बाइक है आपकी। मैं तो कह रहा था कि मैं ऑटो में चल जाऊंगा, बट भाई ने गाड़ी मंगा दी तो भाई छोड़ के आएंगे, चला तो मैं ही रहूंगा इसे। कौन सी गाड़ी है? ऑल्टो। ड्राइविंग ऑल्टो 800 फर्स्ट टाइम, मजा आ रहा है। तो अभी हम आए हैं मार्केट, हमको एक फोन लेना था, तो अभी हमको ये वाला फोन पसंद आया, हम सोच रहे ये वाला ले लेते हैं, रियलमी 3GB रैम 32GB। तो गाइस ये फोन हम किसके लिए ले रहे हैं वो आपको चलेगा पता थोड़ी देर में। तो अभी सोसाइटी पहुंच गए हम, मजा आया ऑल्टो चला के फर्स्ट टाइम। वो कह रहा है पैर मत छुओ, पैर भी नहीं छूने था। अरे पटाखे कहाँ मिले तुझे? कैसी जगह रखते हैं कि साफ दिख रहा है? मैं वहां से ढूंढने के बाद साफ दिख रहा है यार, मैं छुपा नहीं पाया पता है। पीयूष उसके पटाखे फिर से छुपाते हैं, ये बाल्टी खाली है इसमें डाल देते हैं। छुपा रहा हूँ मैं, ऐसी बताना मत उसको। तो आज दिवाली है, दिवाली पे आज हमारे गार्ड अंकल आए हमारे घर पे फर्स्ट टाइम। आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ, लो ये लो, इसमें केक भी है और मिठाइयाँ भी है। धन्यवाद अंकल जी। के पास पहले ये वाला फोन था, अभी तक अंकल जी कीपैड वाला फोन यूज कर रहे थे, ये वाला चलाना आता आपको? चलाना सीखूंगा। चलो सीख जाओगे, सब सिखाना पड़ेगा ना। तो आज दिवाली मैंने सोचा अंकल जी को फोन दे देते, क्योंकि इनके पास कीपैड वाला था ना, ये बैठे रहते थे वहाँ पे तो कीपैड वाला फोन चलाते थे, तो मैं चलो
एक एंड्रॉइड फोन देते हैं। इसमें सिम वगैरह डाल लेना। हाँ, सिम ये वाले डालूंगा। सिम डालने के लिए पता है इसमें वो होता है, ये सी होती है सिम इजेक्टर टूल, इसे निकाल के उसमें सिम डालना पड़ता है। तू डाल देता है। चलो ठीक है, साहिल सेटअप कर देगा इनका फोन। फिलहाल बहुत भूख लग रही है, बिकॉज सुबह से इधर से उधर उधर से उधर भाग रहे थे। दाल चावल खाएंगे आलू के साथ, सुबह भी यही दिन में भी यही। ये देखो गाइस, लक्ष्मी के पैर कितने अच्छे लग रहे हैं चारों साइड, ये देखो। तो खाना हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने अपने दिवाली पे घर किस तरह सजाया। थोड़ा बहुत सजाया बट जैसा भी सजाया दिखा देता हूँ, इसी बहाने होम टूर भी हो जाएगा। चलो, तो यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है। लॉबी में यहाँ पे दो माला लगाई है, एक माला यहाँ लगाई है, बाकी ये एप्पन तो लगाए हैं देखो ये वाले, और ये तो सब जगह ही है देखो। एक माला यहाँ लगाई है, इधर भी लगाई है, और सबसे मेन मंदिर, मंदिर अच्छे से सजा दिया देखो। यहाँ पे शुभ दीपावली लगाया है, मम्मी जी भी अच्छे से सज रखी है नई साड़ी डाल के, तभी ठीक है ना आपकी। बस इधर कुछ नहीं सजाया है। साहिल और पीयूष का रूम, वॉशरूम, डाइनिंग टेबल, किचन, फ्रिज, मम्मी पापा का रूम और मेरा रूम। मेरे रूम में तो सामान बिखरा रहता है जो कि पापा जी ठीक कर रहे हैं। तो हमने इतना ही कुछ थोड़ा बहुत सजाया, थोड़ी बहुत माला लगाई है, लेकिन काफ़ी प्यारा लग रहा है। और होम टूर भी दे दिया थोड़ा बहुत मैंने आपको, रूम वगैरह तीन रूम है। ओरियो यहाँ पे घूमता रहता है, है ओलू घूमती रहती लड़की। तो बाहर से कुछ ऐसा लग रहा है, यहाँ पे हमने दो माला लगाई है और बाकी ये लाइट्स लगाई थी हमने। ये वाला घर शायद हमको मिल जाएगा, तो उसके बाद पूरा मॉडिफाई कर दूंगा मैं इसको पूरा, क्योंकि ये देखो यहाँ से भी टूटा फूटा, ये सारी टाइलें वाइले सब टूट रखी हैं। इस वाले एरिया में आपको बस कपड़े सूखते हुए दिखेंगे, यहाँ पे कच्चे अच्छे सूखेंगे दो साइकिल पे। जो ये वाला एरिया ना, ये मेरा फेवरेट है, बिकॉज यहाँ बैठ के हम चिल करते हैं पूरी फैमिली आराम से, और यहाँ से लाइटिंग अच्छी आती है, तो मुझे व्लॉगिंग करने में दिक्कत नहीं होती दिन में, मतलब सनलाइट इतनी बड़ी आ रही है देखो। पीयूष के पटाखे मुझे फिर से मिल गए, तीसरी बार छुपा रहा हूँ मैं, और ये कहाँ छुपाऊँ। एक तो हमारा घर है भी ऐसा खुला खुला, कोई खुफिया जगह नहीं, यहाँ पे कहाँ छुपाऊँ मैं इसको। आ जाएगा, अरे वाह, सही खुफिया जगह पटाखे। पापा जी का दिमाग देखो। ये हमारी पहली दिवाली है हल्द्वानी में, इस हमारे नए घर में, तो होपफुली ये घर हमको मिल जाएगा। वैसे बात चल रही है हमारी नेबर भैया से, दे देंगे शायद वो। टू ओरियो हैप्पी दिवाली फ्रॉम रूडो एंड स्नोवी। ये देखो अरे इधर आ, क्या है आपके लिए। जो ओरियो के पड़ोसी है ना, रूडो और स्नोवी, उन्होंने भिजवाया ओरियो के लिए दिवाली गिफ्ट फॉर ओरियो। ये बता कितना भौंकता है उन पे, क्यों भौंकता है इतना। अब देखो उन्होंने गिफ्ट भिजवाया आपके लिए, उनसे लड़ाई मत किया कर। ठीक है नहीं करूंगा। नहीं करेगा ना? हाँ नहीं करूंगा। दोस्ती करेगा ना? हाँ करूंगा। दिवाली वाले दिन ना पता नहीं अलग ही वाइब्स आती है। तो अभी फिलहाल दिए जलाने की तैयारी हो चुकी है। पीयूष पटाखे कहाँ हैं? पटाखे अरे मेरे रूम में क्यों देख रहे हो, मेरे रूम में नहीं है। तो अभी पीयूष पटाखे ढूंढते हुए इसके, अरे कह रहा हूँ मेरे रूम में नहीं है ना, अरे मेरे रूम में नहीं है यार पटाखे तेरे। इसके नीचे मत देखियो, इसके नीचे मत देखियो, इसके अंदर तो देखियो मत बिल्कुल भाई, कूलर के अंदर तो बिल्कुल मत देखियो ना। तो पीयूष सब जगह ढूंढते हुए, ओलू ओरी को पता है ना, ओरी तेरे को पता है ना, ओरी को पता भाई, बताइयो मैं ठीक है। नहीं बताऊंगा। ठीक है गुड बॉय। साहिल बाहर ढूंढ रहा है, पीयूष यहाँ ढूंढ रहा है, अरे वॉशरूम में क्यों डालूंगा पटाखों को। बाहर नहीं है, बाहर बाहर मत देख, किसी बाहर नहीं, बाहर नहीं, इसके अंदर मत देख, इसके अंदर नहीं, किसी नहीं यहाँ मत देख, यहाँ मत। दोनों भाई पटाखे ढूंढ रहे हैं बस। पागल है, फ्रिज में क्यों डालूंगा मैं, कैसी बातें कर रहे तू। मैं क्यों बताऊंगा, मिल गए देख ले यार, तू देख ले पूरा घर छान लिया, इनको पटाखे नहीं मिले। बड़ा मजा आ रहा है छुपा के इनको ढूंढते हुए देखने में, क्योंकि ये ढूंढ ही नहीं पाएंगे, अब तो ऐसी जगह पे छुपाए मैंने। तो अभी फिलहाल मैं डालता हूँ कुर्ता, अपना ट्रेडिशन लुक, दिवाली पे अच्छा लगेगा ना। तो अभी गाइज मैंने फर्स्ट टाइम डाला आज ये वाला कुर्ता, और मेरे पास इस तरह के ना तीन हो रहे हैं, मेरे को सब्सक्राइबर ने भेजे थे चार, तो आज फर्स्ट टाइम डाला। कमेंट में बताना कैसा लग रहा है।
उसके पटाखे मिल गए। तो फाइनली पीयूष को उसके पटाखे मिल चुके हैं, काफी इजी जगह पे छुपाए थे और इन्हें ढूंढ भी दिए। तो अभी फिलहाल स्टार्ट होगी पूजा। तो अभी गाइस हमारे यहाँ पूजा चल रही है और इसकी चल रही है यहाँ पे नौटंकी, ये मतलब पटाखे यहाँ पे रख लिए इसने अपने साथ। कोई नहीं ले तेरे पटाखे, ठीक है कोई नहीं। अब से छठी सातवीं बार छुपा चुके हो आप। तो अभी गाइस पूजा हो चुकी है, अब पीयूष बजाएगा पटाखे, इसको बस इसी चीज का इंतजार था। ये पटाखे बजाएंगे, मैं ओरियो का ध्यान रखूंगा, मैं ओरियो के साथ में हूँ। हैप्पी दिवाली फ्रॉम सोसाइटी मेंबर्स। हैप्पी दिवाली। ये सभी हमारे पड़ोसी हैं, तो काफी एंजॉय कर रहे हैं हम साथ में। तो दिवाली हो चुकी है हमारी, अब फिलहाल हम करेंगे डिनर। डिनर में आज पनीर की सब्जी बनी है कुछ स्पेशल फाइनली। बहुत ही डर गया, खतरनाक वाला कांप रहा है, देखो ये देखो इसकी बॉडी देखो कितनी खतरनाक कांप रही है। अब मैं क्या करूं यार, बहुत तेज वाले बम फट रहे हैं ना। क्या हुआ, देखो ये मेरे ऊपर चढ़ रहा है बस। और ये पीयूष बहुत बड़े बड़े बम ले आया यार, छोटे मोटे बम ले आता है जो ज्यादा आवाज नहीं आती। बड़े वाले बम मत फोड़, बुलेट बुलेट कुछ मत फोड़, जाके देख क्या पहले ओरियो को। उजवा ये क्या है, मैं ये एक भी नहीं फूटना चाहिए पहले बता रहा हूँ ना, ये फूटना चाहिए, ये तीन नहीं फूटने चाहिए भाई। दूर बजा जाएंगे ना। तो भी रात के 12 बज चुके हैं, दिवाली खत्म हो गई है और फिलहाल मैं एडिटिंग स्टार्ट करूंगा। आज का दिन काफ़ी मस्त था, जैसे कि आपने देखा काफ़ी मजा आया। पहली दिवाली थी हमारी हल्द्वानी में और अब तो काफ़ी नींद आ रही, काफ़ी थकान लग रही है, बट एडिटिंग तो करनी पड़ेगी, सुबह 8 बजे व्लॉग आता है ना। तो फिलहाल एडिटिंग करता हूँ और इस व्लॉग को करता हूँ एंड। और ओरियो भी यहाँ पे सो चुका है, देखो वो रहा अपने बेड पे सो गया है। और हाँ पटाखों की आवाज़ भी चली गई अब तो काफ़ी सही है। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान से हाथ जलेगा, इतनी ज्यादा सारे क्यों रख दिए उसमें। अरे मम्मी हो जाएगा, एक दूसरे पर चिपट जाएंगे। दिए दिए कैसे उठाएगा बताइए, दिया गर्म हो गया कैसे उठाएगा। देखिए उठा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, टेंशन मान लो, कोई हिसाब से जलाने पड़ते हैं दिए भाई। मम्मी डांटती रहती है बस। डांटने का क्या मतलब है, गर्म हो जाएंगे कैसे उठाएंगे उसको बता, पर रात ही गर्म हो जाएगा।